ये भ्रष्टाचारी की सरकार, वादा खिलाफी की सरकार। और जनसेवा का पथ अगर सिंधिया परिवार ने अपनाया है तो वो कुर्सी के लिए नहीं अपनाया, पद के लिए नहीं अपनाया, जनता की सेवा, विकास और प्रगति के लिए अपनाया है। और जब ये वादा खिलाफी की सरकार देखी, वादा खिलाफी की सरकार, कहा था इन्होंने 10 दिन के अंदर किसान का कर्ज माफ होगा। अगर 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो मैंने 10 दिन इंतजार किया, 10 महीने इंतजार किया, और जो वो ना कर पाए जो वादा खिलाफी करे उसे माफ न करा जाए। कहा था कन्यादान योजना में ये 25,000 दे रहे हैं, हम 51,000 देंगे। हजारों कन्याओं की शादी हो गई, आपकी बेटियों की, आपकी बहनों की। महीने बीत गए, साल बीत गया, घर में इक्यावन हजार नहीं मिले। कहा था बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपया प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, मेरे युवाओं को मिला क्या? और शिवराज सिंह जी के 5 महीनों के अंदर जो किसानों की फसल बीमा योजना 2,900 करोड़ रुपए कमलनाथ जी अपने कुर्सी के नीचे रखकर बैठे हुए थे, 10 दिन के अंदर खजाना खोल के हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों के हाथों में पहुंचा दिया।